गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल यशोदा वर्मा लाइव। गाइस, तो आज हैं ये घर में, उसके बाद भी ये मेरे साथ कहीं नहीं जा रहे हैं। और गाइस, दिव्यांश की मौसी के बेटे का जन्मदिन है, तो हमारे लिए फ़ोन आया है और हम जाने वाले हैं वहीं पर, और ये हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। और दिव्यांश जाना चाहता है और रेडी हो गया है, कह रहा है मेरे को तो जाना है। दिव्यांश चले, चले। दिव्यांश तो बहू बन के दिखा रहा है अभी, वैसे उसने हाँ कर दी थी कि हाँ चलो। अभी दिव्यांश बहू बन के दिखा रहा है। दिव्यांश ऐसा लग रहा है जैसे शादी करने जा रहा है, अपना वही पटका वटका लेके जा रहा है। उससे संभल भी नहीं रहा उससे संभल नहीं रहा अभी लैंड ऑफ की है। ये सुबह दिव्यांश के पापा छोड़ के चले गए हैं घर, और हम दोनों बैठे हैं बस में, और हम पहुंचने वाले हैं दिव्यांश की मौसी के यहाँ पे, है ना बाबू? मौसी के जा रहे हो? दिव्यांश जा रहे हैं अपनी मौसी के यहाँ। गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं। ये देखिए, दिव्यांश आ गया है, और ये रही उसकी दीदी दीपू। ये देखो, और दुग्गू की नानी क्या लाई हैं, देखो। ये देखो, ये लाई हैं खरबूज, खरबूज तरबूज लाई हैं सबसे पहले खाने के लिए। बहुत दिनों बाद मैं दीपू से भी मिली हूँ, और मैंने दीपू की कैप लगा ली है। ये देखो, एक है मेरा दीपू, एक है मेरा दिव्यांश। ये देखो, ले खा ले, तू लगा ले इतनी गर्मी में कैप। मैंने दीपू की कैप लगा ली है। अब दीपू इनके क्रॉक्स उतार दो। सो गाइस, काफी दिनों बाद दिव्यांश आज गया है अपनी नानी के घर। वैसे बेसिकली दिव्यांश आया है मौसी के घर, क्योंकि मौसी के बेटे का, छोटे वाले का, सूरज का जन्मदिन है, तो 30 तारीख का उसका जन्मदिन है, तो इसीलिए दिव्यांश आया अपनी मौसी के घर। लेकिन साथ ही नानी का घर भी पास ही में है, तो इसलिए नानी के घर भी दिव्यांश आया है। पहले नानी घर आया, फिर जाएगा अपनी मौसी के घर। देखते हैं, पहले नाश्ता वास्ता कर लें, फिर जाएंगे वहाँ पर। अभी तो हमने खरबूज तरबूज खा लिए हैं, नाश्ता करके फिर जाएंगे दिव्यांश की मौसी से मिलने। और ये है दिव्यांश की, ये है दिव्यांश की गाइस छोटी मौसी, और ये भी ब्लॉग करती है। तो गाइस, इसका चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल का नाम है माय रियल ब्लॉग्स। तो इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें गाइस। तो गाइस, अब हम पीने जा रहे हैं चाय नाश्ता कर लूँ, और फिर मैं आपसे मिलूंगी। इसको खाली कप दिव्यांश के लिए। दिव्यांश, दिव्यांश, दिव्यांश। ओहो, देरी देरी सब कुछ देखा जो हो रहा है। उसने अपनी अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या बोला कर के देखा। हमारी मौसी आई है, ये करके बोला मुझे आता नहीं है बोलने। मैं ब्रेड खा रही हूँ, बाबू चाय पी रहा है। सो गाइस, ये देखो, ये है सूरज, इसकी मम्मी गई हुई है बाहर अभी, वो सिलाई का काम करती है, तो अभी बाहर गई हुई है मेरी बहन। तो अभी मैंने सूरज को बुला लिया, सूरज को जैसे ही पता लगा मौसी आई है, फटाफट दौड़ के आ गया दिव्यांश से मिलने। और इसी का बर्थडे है गाइस, तो इसी के बर्थडे में हम लोग अभी आए हुए हैं। उसकी मम्मी आ जाएगी शाम को, उसकी मम्मी से मिलवाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप बोलो। सो गाइस,
जैसे ही दिव्यांश की बड़ी मौसी ने सुना कि हम लोग आए हैं, ऐसे ही दिव्यांश की बड़ी मौसी आ चुकी है हमसे मिलने। मैं बताता हूं ना, बड़ी मौसी क्या लगाई है? वो आइसक्रीम लाई, एक ही लाई, वो भी गल गई। मेरी है, वो गल गई। वो कह रहा है मेरी है, वो कह रही है मेरी है। आखिर ये है किसकी असली? अभी सामने आएगा इसका। गाइस ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस ये आ गई तीसरी मौसी दिव्यांश की। कौन सी तीसरी? पहली मौसी यही हुई ना मेरे बाद, ये वाली मौसी है दिव्यांश की। तो गाइस ये है मुझसे छोटी वाली, ये है गायत्री दिव्यांश की। एक मौसी ये है, सबसे पहली बड़ी मौसी आपने देख ली, और सबसे छोटी मौसी भी आपने देख ली, बड़ी भी देख ली, सबसे छोटी भी देख ली। अभी भी दो मौसी रहना दिखाना बाकी रह गया है। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, आज आपको दिव्यांश की सारी मौसी देखने को मिल जाएंगी। ये अभी अभी गाइस ऑफिस से आई है, तो चलो ये पहले मुँह हाथ धो ले, फिर इससे मिलेंगे। दिव्यांश इतने दिनों में आए तो सब लोग उससे एक एक करके कैसे मिलने आ रहे हैं। ये देखो उसके भाई बहन ये सारे, ये उसका बड़ा भैया, बड़ा भैया बड़ी वाली मौसी का बड़ा लड़का रोहित। ये है दिव्यांश की सबसे बड़ा भाई, और ये है दिव्यांश की सबसे बड़ी बहन। बड़ी बहन और बड़ा भाई, ये है बड़ी मौसी का लड़का, ये है उससे छोटी मौसी की बेटी। तो ये हैं घर के सबसे बड़े बच्चे, देख सकते हैं ये हैं घर के सबसे। तो गाइस दिव्यांश खा रहा है आम और दिया डाल रही है अपनी मौसी के बालों में तेल। और गाइस मम्मी बना रही है उधर खाना, दूसरे वाले रूम की तरफ किचन है हमारा, तो उधर मम्मी खाना बना रही है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, जल्द ही मिलेंगे हम आपसे एक नए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहा करें। और सो गाइस अभी भी दिव्यांश की दो मौसी और रह गई हैं आपको दिखाने के लिए, तो ब्लॉग में बने रहिए, वो भी आपको आगे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो जो भी अभी आ गए थे तो उन लोगों से मैंने आपको मिलवा दिया है, और दिव्यांश के बर्थडे, सॉरी दिव्यांश के नहीं, सूरज के बर्थडे पर आपको सभी से इंट्रोड्यूस करा दूँगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, वीडियो को लाइक कर दें और कॉमेंट करें। ये आ गया बर्थडे को, अभी नहीं है इसका बर्थडे लेकिन। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट।